The question is, a circle is touching the side BC of a triangle ABC at P and touching AB and AC produced at Q and R respectively. Then prove that AQ is 1 by 2. AQ is equal to 1 by 2 of perimeter of triangle ABC. अब यहाँ पर हमें given क्या है कि एक circle है वो एक triangle ABC की side BC को touch कर रहा है. तो यहाँ इसकी figure हम कैसे बनाएंगे? साइड बी सी को टच कर रहा है और ए बी और ए सी को प्रोड्यूस करने पर क्यू एंड आर पर टच कर रहा है. तो यहाँ पहले सर्कल हमने बना लिया. तो यहां देखिए ये ट्रायंगल बन जाएगी हमारे पास ए बी सी, राइट. बी सी को वो टच कर रहा है ऑलरेडी पी पॉइंट पे, ए बी को प्रोड्यूस करने पर वो क्यू पॉइंट पे टच कर रहा है और ए सी को प्रोड्यूस करने पर वो आर पॉइंट पे उसे टच कर रहा है. तो हमें प्रूव ये करना है कि ए क्यू की जो ये ए क्यू की लेंथ है वो ट्राइंगल ए बी सी के पैरामीटर की हाफ होगी, राइट. तो अब देखो हमें ये पता है कि अगर हम किसी एक पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ जो है वो इक्वल होती है. तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए बी और ए सी की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी. तो पहले हम यहाँ पे थ्योरम मेंशन करते हैं. Since tangents drawn from an external point to a circle are equal in length, therefore AB is equal to AC. Sorry, AQ is equal to AR. यहां से हम देखेंगे ये B पॉइंट से हमारे पर ड्रॉ हो रखी है बी पी एंड बी क्यू. बी पी इज इक्वल टू बी क्यू और C पॉइंट से ड्रॉ हो रखी है सी पी एंड सी आर. सी पी इज इक्वल टू सी आर. इनको हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन वन टू एंड थ्री. अब देखो जो प्रूव करना है उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं. इजी राइट से रहेगा तो हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी. अब किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? उसकी साइड्स का सम, मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. तो अब यहां देखो जो ए बी है उसे आप एज इट इज रहने दो. बी सी को हम स्प्लिट कर सकते हैं. बी सी जो है वो बी पी प्लस पी सी के इक्वल है. तो बी पी प्लस पी सी और ए प्लस ए सी भी एज इट इज रहने दीजिए. तो अब देखो यहाँ से अगर हम ए बी प्लस बी पी करते हैं, अब बी पी जो है बी पी तो बी क्यू के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन टू, और जो पी सी है वो पी सी तो हमारे पास सी आर के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन थ्री. तो पहले इनको हम चेंज करते हैं. ए बी बी पी की जगह हम लिख सकते हैं बी क्यू और पी सी को रिप्लेस करेंगे हम सी आर सी प्लस ए सी यूजिंग टू एंड थ्री. इक्वेशन टू एंड थ्री का हमने यूज किया है. अब इनको हम कंबाइन करते हैं ए बी प्लस बी क्यू सी आर और ए सी. सी आर एंड ए सी, ए बी प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू और सी आर प्लस ए सी इज इक्वल टू ए आर. अब अगेन हमें ये पता है कि ए क्यू और ए आर तो इक्वल है, हमें प्रूव करना है टू ए क्यू के इक्वल. तो मुझे ए क्यू जो है उसे रिप्लेस नहीं करना, जो ए आर है उसे हम रिप्लेस कर देंगे अगेन. तो ए क्यू प्लस ए क्यू. अब इसमें हमने कौन सी क्वेश्चन का यूज किया है? फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया है यूजिंग वन. तो ये हमारे पास हो गया टू टाइम्स ऑफ ए क्यू. जो ये टू है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू ए क्यू. यही हमें प्रूव करना था, राइट. थैंक यू.